नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं जीके 24। सुपौल जिला के आनंद लोक अस्पताल के द्वारा कोशी नदी के किनारे पीड़ित गांव 5720 संस्कृत स्कूल बभनी बांध सूरत पट्टी हंसा गांव अन्य सभी जगहों पर जाकर राहत सामग्री वितरण किया गया, जिसमें खाने का सभी सामान एवं जरूरतमंदों को दवाई कफ सिरप टैबलेट इंजेक्शन का वितरण किया, बाढ़ से प्रभावित लोगों को दिया गया। वही उपस्थित आनंद लोक अस्पताल की टीम ने सुपरिटेंडेंट मोहम्मद नजीर आलम, आनंद लोक के डायरेक्टर गोविंद कुमार, डॉक्टर देवराम कुमार यादव, गजेंद्र कुमार एवं डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद और कहा कि जहां तक हो सके 24 घंटे आपके लिए हम लोग उपस्थित रहे। वही मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। का वितरण हो रहा है, क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि आज 3-4 रोज से लोग परेशान है और इतना पानी आया कि लोगों को समझ से बाहर हो गया। लोगों का कहना है कि 1968 में जो बाढ़ आया था उससे विशाल जो इसमें जो है ये बाढ़ आया है और लोग जो अपने घर हो गए। उतना ही नहीं बल्कि लोग दाने दाने के लिए जो है लाले पड़ने लगे यहाँ और लोग परेशान हाल हो करके ये कोसी तटबंध से शरण लिया हुआ है और जो जहाँ से लोग आते हैं थोड़ा बहुत जो है वो अपना जो है दान दे रहे हैं, लोगों को थोड़ा बहुत राहत मिल रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कहीं कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, ये अफसोसजनक बात है। दूसरा ये है कि खास करके ये सुरती पट्टी जो है कोसी तटबंध के भीतर के रहने वाले लोग हैं और ये सुरती पट्टी को पुनर्वास जो है नहीं है, आज तक पुनर्वास के लिए कहा गया लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। चाहे जो भी हो जो आगे बढ़ने का जो काम है, आज जैसे आज आनंद हॉस्पिटल की तरफ से जो अनुदान देने की बात आई है तो ये बड़ी खुशी की बात है। लोगों में जो है काफ़ी उत्साह है कि कुछ न कुछ मिल रहा है। ये खुले आसमान के नीचे लोग रह रहे हैं लेकिन अभी तक जो होता है पन्नी व्यवस्था ये सब कहीं कुछ नहीं है, चाहे प्रशासन के तरफ से हो चाहे किसी की तरफ से हो, लोग परेशान हाल हैं। दूसरी तरफ आप जो देखेंगे तो ये जितना घर है ये पानी में डूबा हुआ था लेकिन इन लोगों को जो कोई राहत नहीं मिला, ये अभी जो सामने है जे, लेकिन आप ही लोगों की तरफ से लगता है कि फर्स्ट इन लोगों को जो कुछ दिया गया है जिससे राहत मिलेगी, ये आनंद हॉस्पिटल के तरफ से। और हमें जो जानकारी मिली कि आनंद हॉस्पिटल के तरफ से कुछ वितरण के लिए जो आए हैं तो आनंद लोक हॉस्पिटल जो है वो बहुत बढ़िया जो इसका स्कोप है और लोग जो है वहाँ से जो आए हुए मदद के लिए जैसे इसमें जो भी हो डॉक्टर साहब हो चाहे उनके जो भी स्टाफ हो आनंद हॉस्पिटल की तरफ से काफ़ी जो है यानी जो मदद मिल रहा है, जैसे आगे सफाई है पीछे भी दिया गया है जब भारी भी जैसा कि सुनने को मिला है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया जाए जिससे लोगों को राहत मिल सके। आज लगभग 15-16 घर जो है ये 55 किलोमीटर रास्ते जो है इस पर है उस पर डूब गया लेकिन कहीं कोई उस तरह से राहत नहीं मिल रहा है। आज आप लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर संसाद है, सुरती पट्टी सुपौल। नागरिक का वितरण किया जा रहा है, क्या कहेंगे जी? विगत 2-3 दिनों से जो बाढ़ की परेशानी समस्या है इसमें सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा तो उचित राहत सामग्री का व्यवस्था नहीं किया गया था, लेकिन देख रहे हैं निजी हॉस्पिटल और निजी कुछ लोग समाजसेवी लोग कल से राहत सामग्री जैसे मुढ़ी हो गया, बच्चों का बिस्कुट हो गया, दवा का वितरण कर रहे हैं। ये बहुत खुशी वाली बात है। आनंद लोक हॉस्पिटल 57-20 हो गया, संस्कृत विद्यालय हो गया और क्या बोलते हैं सुरती पट्टी, हर जगह बबनी वगैरह हर जगह राहत सामग्री बांट रहे हैं, ये बहुत खुशी वाली बात है और बहुत अच्छी बात है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सलाहुद्दीन है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जी 24।